हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। आई एम चीफ मेंटर ऑफ सी सेट एट अभिमन्यु आईएएस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन जिन जिन एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, दे शुड नो कि दे हैव टू क्लियर द 3 स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्जाम, दैट आर प्रिलिमिनरी, मेंस एंड द इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकेंड इज मेन्स एग्जामिनेशन, एंड देन इंटरव्यू, और यू कैन से द पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, अब बात करते हैं कि जिस दिन से आपने ये सोचा है कि मैंने यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है, मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है, इन दैट केस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारे माइंड में क्या आता है कि जीएस के ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं। जीएस के सभी सब्जेक्ट्स आपके माइंड में आते हैं कि हाँ जी, जब मैं जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस केस के अंदर मैंने क्या करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सभी के सभी टॉपिक्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में माइंड में ये भी आता है कि हाँ जी, न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी डेली होनी चाहिए, न्यूज़पेपर को मैं एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर मैं साथ में लेके चलूं। बट कहीं ना कहीं जब आप जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पूरे का पूरा फोकस आपका जीएस का है, इन दैट केस आप इग्नोर कर देते हो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, दैट इज सी सेट। जब हम बात करते हैं सी सेट की, तो इग्नोर हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जीएस सिलेबस इज इन वेरी वास्ट, एंड मेंस के अंदर भी आपको जीएस के अंदर ही सारा राइटिंग में पेपर है, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, आपने अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है, तो सारा फोकस हमारा होता है जीएस के पेपर पे। ओके, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब सी सेट का पेपर है, सी सेट का पेपर है आपका, जब प्रिलिमिनरी का आप पेपर देते हो, तो उस केस के अंदर सी सेट को क्वालिफाई करना मस्ट है। क्वालिफाइंग है, यस, क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स लेना है। बट वो 33% मार्क्स है वो कैसे आएंगे, आप इसको क्वालिफाई कैसे करोगे, अंटिल अनलेस आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता, हम जीएस के पेपर का कोई रोल नहीं रह जाता। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब आप जीएस के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा फोकस सी सेट पे भी करना है। सी सेट का सिलेबस कम है, सिलेबस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है सी सेट का, ठीक है। बट एग्ज़ाम अगर आप देखते हो, 2020 का पेपर आपने देखा है, 21 का पेपर देखा है, 22 का पेपर देखा है, हर बार अनप्रिडिक्टेबल टाइप्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीन्स कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्ज़ाम के अंदर। मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप जाके पेपर क्लियर कर लोगे, नहीं। अब जब हम बात कर रहे हैं सी सेट की, तो इन दैट केस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फिर हम कब प्रिपरेशन शुरू करें, सी सेट के लिए प्रिपरेशन हमें कब करनी चाहिए, क्या हम जीएस के साथ साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सी सेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, या फिर जब एग्जाम नियर बाय होगा उस टाइम पे हम प्रिपेयर करें, माइंड में पहला पॉइंट यही आता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या लेके चलते हैं कि अभी तो काफ़ी टाइम है, मई जून में एग्जाम होगा, तो लास्ट के अंदर 1 मंथ सफिशियंट है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 1 मंथ के लिए अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप गलत सोच रहे हो। रीजन बिंग कि सी सेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर सिर्फ पढ़ के जाने से बात नहीं बनेगी, आपने बुक ओपन करी, उसको रीड किया, इससे बात नहीं बनेगी। सी सेट प्रैक्टिस मांगता है, सी सेट का पेपर प्रैक्टिस मांगता है। तो अब ये डिफरेंट एस्पिरेंट्स पे डिपेंड करता है कि किसकी प्रिपरेशन कैसे है, किसने अपनी प्रिपरेशन कब शुरू करनी है। ओके, अब उसके लिए आपने करना क्या है, चेक योरसेल्फ। कैसे आप एनालाइज करोगे कि मुझे प्रिपरेशन सी सेट के लिए कैसे करनी है, कब मैं इसके लिए शुरू करूं, इन दैट केस जस्ट टेक ए प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, 20 का उठा लो, 21 का उठा लीजिए, 22 का उठा लीजिए, कोई भी एक पेपर आप ले सकते हो, एंड देन अटेम्प्ट दैट पेपर, सी सेट के पेपर को अटेम्प्ट करो, और उसके बाद देखो कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपका 50% से स्कोर कम है, इन दैट केस आपको आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब उसके अंदर भी थोड़ा सा हमने ये देख के चलना है कि मेरे कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग है, या तो मुझे क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन के अंदर मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही कि हाँ जी कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक के अंडर से आ रहा है और उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग कि
हाँ जी, सेकंड थिंग कि मुझे पेपर देखने में तो इजी लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू ले रही हूँ, मैं पेपर का ओवरव्यू ले रहा हूँ उस टाइम पे, तो मुझे पेपर इजी लग रहा है, बट व्हेन आई ट्राई टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, इन दैट केस मेरे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, दो बातें हो सकती है। अब उस केस के अंदर अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, इन दैट केस, अब देखो सबसे पहले जब हम सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में यही है कि अगर मैं ये देख रही हूँ कि मैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हूँ, फर्स्ट कैटेगरी, दैट मींस व्हाट, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने पहले देखे नहीं, इन तरह के क्वेश्चंस को मैं कैसे सोल्व करूं, हम उस कैटेगरी के अंदर हैं, या फिर हम सेकंड कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, सेकंड दैट मींस व्हाट, कि क्वेश्चन देखने में तो मुझे इजी लग रहे हैं, बट व्हेन आई ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर मुझसे नहीं आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि काफी टाइम पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, अब मुझसे नहीं हो रहे। तो उस केस के अंदर अगर आपको फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, इन दैट केस यू नीड टू गो फॉर ए कंप्लीट, आप ये कह सकते हो कंप्लीट, आपको कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, एक बार आपको पूरा सिलेबस डिटेल में करने की जरूरत है पहले, एंड आप क्या करोगे, आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आपने क्लियर करना है, दैट मीन्स हाँ जी, एक तरह से आपको पूरे का पूरा कंप्लीट आपको करना है, एंड उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड देन बिफोर वन और टू मंथ्स हमने क्या करना है, मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, अब बात आ रही है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने क्या करना है, जो अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, जिनका अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑब्वियसली उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, अभी आपके पास टाइम है। अब अगर हम सितंबर से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, इन दैट केस कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो आप 3 to 4 months के अंदर कवर अप कर लोगे, 3 to 4 months के अंदर हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, जब आपके पूरे सिलेबस के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है, अगेन यू विल हैव 4 to 5 months, है ना, 4 to 5 months है, उसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि जीएस का इतना सिलेबस करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस, और वो भी डेली, वो भी सीसेट के लिए, क्योंकि आता है, मैंने जिन जिन कैंडिडेट से बात करी है, एक बार तो सभी के माइंड में यही बात आती है कि मैडम डेली प्रैक्टिस तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले जब हम बेसिक कंसेप्ट, मैंने 3 to 4 months क्यों लिखे, मैंने ये तो नहीं कहा कि 1 महीने के अंदर आप सिलेबस कवर अप कर लो, बिकॉज जब हम स्लो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आप एक दिन में खत्म करो, 2 दिन ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप जीएस के ऊपर 8 to 10 hours की आपकी डेली की स्टडी है, देन डिवोट 1 hour और सीसेट, 1 hour आप लगाओ, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बट स्लोली स्लोली, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में रहें, ठीक है ना, जो आप कंसेप्ट कर रहे हो वो आपके माइंड में रहे, इसलिए ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आप डेली 1 hour, अब डिपेंड करता है, 1 hour कुछ स्टूडेंट्स 1 hour के अंदर ग्रैप कर लेते हैं, कुछ को एक से ये भी कह सकते हो 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, तो आप देखो कि आप कितना टाइम लगाते हो, किसका जो सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स आप कर रहे हो तो उसमें कुछ ज़्यादा वीक है, तो किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बेसिस पे आप अपना टाइम देखोगे, और 3 to 4 months के अंदर, आप जैसे सितंबर से आप शुरू करते हो तो दिस इज द करेक्ट टाइम, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करोगे। अभी जो प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ जी डेली आपने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, नहीं, कोई भी 10 questions किसी भी टॉपिक के 10 questions डेली करने हैं, ज्यादा ना करो, 10 questions कर लो। अब किसी दिन ऐसा भी है कि हाँ जी 10 questions आप नहीं भी कर पा रहे, तो उसको स्किप नहीं करना डे को, 1 to 2 questions तो डेली करने हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा माइंड है वो उस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है। अब अगर हम मैथ से कुछ कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन जो माइंड है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट की तरफ थोड़ा सा चलने लग जाता है, और अगर हमें उसी तरह का कुछ क्वेश्चन मिल जाता है या उस तरह का कुछ लॉजिकल क्वेश्चन मिल जाता है तो हम उसको एग्जाम में इजीली कर लेंगे। ओके, तो सभी ने 10 questions अगर नहीं कर पाते तो 5 to 10 आपने करना ही करना है डेली, 5 to 10 questions पे प्रैक्टिस करनी है। जो स्टूडेंट्स सेकेंड वाली कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वट, कि मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है, क्वेश्चन पेपर जब मैं देख रही हूँ तो उस केस के अंदर मुझे पेपर तो इजी लग रहा है बट सोल्व करने में इश्यू आ रहा है, तो उस केस के अंदर डेली प्रैक्टिस करनी है सभी ने, डेली प्रैक्टिस करनी है।
ओके। और लास्ट के अंदर जब अपना एग्जाम नियर बाय आता है तो बिफोर 2 मंथ्स हमने क्या करना है, मॉक टेस्ट शुरू कर देने। क्लियर? सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द सीसेट एग्जाम। सीसेट के लिए सितंबर का मंथ सही है। इस मंथ के अंदर सितंबर अक्टूबर में आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ओके, यस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज abhipedia.abhimanyu.com, abhipedia.abhimanyu.com। एंड द एस्पिरेंट्स हु आर टेकिंग देयर एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनको अभी सी सेट के लिए मस्ट है प्रिपरेशन, जिनको ये लगता है कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करके देख रही हूँ तो उस केस के अंदर मेरे मार्क्स 33 बिलो आ रहे हैं, 40 से बिलो आ रहे हैं, उस केस के अंदर जो स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, जिसके अंदर एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है। खासकर जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है उनको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 3 डेज का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर और भी कुछ आपकी क्यूरी है, इन दैट केस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फोन नंबर अवेलेबल, आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।